हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है कि नवाड असिस्टेंट मैनेजर का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो पहले पोस्टपोन हो चुका था, अब जो एग्ज़ाम की डेट्स है वो आउट हो चुकी है। और साथ में एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि यार, इसमें आप एग्ज़ाम का सेंटर भी अपना चेंज कर सकते हो। तो मेंस एग्ज़ाम जिन जिन का अगर किसी भी सिचुएशन में दूर का सेंटर है आप लोगों के पास, तो यार यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि आप अपना एग्ज़ाम का सेंटर भी चेंज कर सकते हो। IBPS और RRB का एग्ज़ाम का जब एडमिट कार्ड आया, तो शायद ये उसके अंदर भी अपने को देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, अभी ये कन्फर्म नहीं है कि IBPS का जो कोलेटर आएगा उसमें ये चीज़ें अपने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर जब भी कोलेटर आएगा तो यार ये चीज़ें मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब भी कोलेटर आएगा तो अपने वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्वियसली डेट वगैरह क्या आई है नवाड़ के लिए। तो ये देखिए, जो नवाड़ के लिए अपनी डेट आई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो डेट्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा 24 सितंबर को। ऑनलाइन मेन एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन 24 सितंबर 2020। 24 सितंबर 2020 को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और जो एग्ज़ाम्स के जो मेंस के सेंटर हैं उनको चेंज करने के लिए इन्होंने जो अपने को डेट दे रखी है वो दे रखी है 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर तक आप लोग अपने एग्ज़ाम का जो भी सेंटर है वो उनकी ऑफिशियली साइट पर जाके, वहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखा है एक, उस पर जाके अपना सेंटर चेंज कर सकते हो। और 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 7 सितंबर से पहले पहले अपने को सेंटर चेंज करना है, उसके बाद अपने सेंटर चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इन्होंने बोल रखी है। देखिए, नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज, सेंटर विल बी एंटर्ड, यानी 7 तारीख तक ही अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके किसी का भी एग्ज़ाम अगर दूर पे है तो आप वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लिंक दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अगर जब आप जाओगे नवाड़ की ऑफिशियली वेबसाइट के करियर नोटिस में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक लिंक इस तरह का कि अप्लाई हेयर फॉर मेन एग्जामिनेशन सेंटर चेंज। तो यहाँ पे आप जाके अपना सेंटर चेंज कर सकते हो, ये PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यार ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, एग्ज़ाम जो वो होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपना SBI का एग्ज़ाम और जो रिजल्ट है दोनों एक साथ आने के चांसेस है, यानी SBI का एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोनों एक साथ आएंगे। ये भी हो सकता है कि SBI के सीधे ही अपने को एडमिट कार्ड्स मिल जाएं जिन जिनको मेंस में पेयर किया है। तो ये चीज़ें यार पॉसिबल हो सकती है, तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ RB असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी मेंस का एग्ज़ाम वो भी हो सकता है, उसका भी एडमिट कार्ड्स वगैरह जल्दी आने वाले हैं। तो यार अपने प्रिपरेशन करते रहिए। और आपका RRB का एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल है 12 तारीख को, तो 12 तारीख को ही आपका RRB का एग्ज़ाम होगा। कोई भी पोस्टपोन होने की जो है वो ऐसी न्यूज़ नहीं है अभी तक और ना होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है और अपने प्रिपरेशन को करते रहिए। और बेस्ट जो करंट अफेयर्स के लिए सोर्स है अफेयर क्लाउड्स का PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट बैंकिंग सक्सेस कोड पे ही। और इसी के साथ बेस्ट मॉक टेस्ट और जो वीडियो कोर्स है दोनों के लिए IBPS गाइड की तरफ से, गाइडली की तरफ से दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने पर। यार बेहतरीन है, मॉक टेस्ट और वीडियो कोर्स दोनों ही इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी की तरह तैयार किया गया, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो श्योर यार आप एग्जाम अपना डेफिनेटली क्रैक करके ले जाओगे। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।